वाड़ी के युवा सेना द्वारा विदर्भ में प्रथम शिव भोजन थाली योजना को उत्साह में प्रारंभ। शिवसेना द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में घोषित शिव थाली भोजन योजना के आश्वासन की पूर्तता राज्य में सर्वप्रथम नागपुर जिले के वाड़ी में रविवार शाम को नागपुर जिला युवा सेना के द्वारा की गई। राज्य में महाअघाड़ी के घटक दल शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे व युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे द्वारा इस योजना का चुनाव घोषणा पत्र में प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। अब जब राज्य में शिवसेना के ही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होने से शासन ने 10 रुपए शुल्क पे शिव अन्न थाली योजना महाराष्ट्र में लागू करने का निर्णय लेकर योजना को मूर्त रूप देने की कार्यवाही जारी कर दी है। परंतु इस योजना को शासन ने मूर्त स्वरूप में लागू करने के पूर्व ही नागपुर युवा सेना के जिलाधिकारी वाड़ी नगर परिषद के नगर सेवक हर्षल काकड़े व शिवसेना के जिला प्रमुख संतोष केचे ने स्वयं स्फूर्ति से प्रेरित होकर वाड़ी MRDC बोर्ड पर स्थित बड़ौदा बैंक के बाजू में इस शिव भोजन थाली का नियोजन पूर्ण किया। रविवार शाम को क्षेत्र के सांसद कृपाल तुमानी के हाथों से इस भोजन केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया गया। प्रस्तावना में केंद्र संचालक हर्षल काकड़े ने बताया कि शिवसेना की वचन पूर्ति व जनहित को देखते हुए शासन की सहायता प्राप्त होने पूर्व ही जरूरतमंद के लिए यह केंद्र प्रारंभ किया गया है। शासन जब इस केंद्र को मान्यता व सहायता देगा तब तक युवा सेना इस केंद्र से शिव थाली भोजन योजना का क्रियान्वयन करेगी। इस योजना के साथ ही महागाड़ी शासन ने आश्वासन की पूर्ति करते हुए हाल ही में संकट ग्रस्त किसानों की 2 लाख रुपए कर्ज माफी की घोषणा की, जिसका किसान व सभी ने स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर सांसद कृपाल तुमानी ने केंद्र प्रारंभ हेतु युवा सेना की प्रशंसा करते हुए शिवसेना व महाअघाड़ी की सरकार सही मायने में जनता की सरकार साबित होगी व दिए सभी वचनों को पूरा करने का प्रयास करेगी। सांसद कृपाल तुमानी व उपस्थित अन्य निमंत्रितों ने शिवथाली भोजन को ग्रहण भी किया। यह रयत माउली अन्न सेवा शिवथाली भोजन केंद्र सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक 10 रुपए शुल्क अन्न सामग्री नागरिकों को वितरित करेगा। इस अवसर पर प्रोत्साहन हेतु शिवसेना युवा सेना मित्र पक्ष के पदाधिकारी अखिल पोहनकर, विजय बीवनकर, अविनाश राउत, विजय मिश्रा, मीरा परिहार, शत्रुघ्न परिहार, कपिल भलमे, विलास भोंगरे, प्रफुल्ल भलमे, मोनिका राउत, संदीप उमरेडकर, संतोष केशरवानी, सचिन बोम्बले, दीपक रहांगटाले, मोहित कोठे, पिंटू पोहनकर, रंजीत संसरे, संदीप विधरे, शिवनारायण पवार, विठल राव, अखिलेश सिंह, क्रांति सिंह, राजेश शिर्के, लोकेश जगताप, रोहित झा, सहकारी मित्र पक्ष के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। शिवसेना पक्ष प्रमुख आणि महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहेबांनी शनिवारी या शिव थालीची घोषणा केली। या थालीच्या माध्यमातून आम्ही जो आमच्या वचननाम्यामध्ये शब्द दिला होता निवडणुकीच्या पूर्वी, ती पूर्तता साहेबांनी केली आणि ती योजना सुरू व्हायच्याच आधी नागपूरमध्ये युवा सेनेचे आमचे अध्यक्ष नागपूर जिल्ह्याचे संघटक हर्षलजी काकडे यांच्या नेतृत्वामध्ये या नागपूरला मला तर असं वाटतं की कदाचित महाराष्ट्रातली पहिल्याच शिवथालीचं उद्घाटन हे या ठिकाणी आज वाडी शहरामध्ये झालेलं आहे। ही आनंदाची गोष्ट आहे, कारण शिवसेना सदैव हा गोरगरीब जनतेच्या सोबत राहिलेला आहे। आदरणीय बाळासाहेबांनी, आदरणीय उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये आता गोरगरीब जनतेची सेवा व्हावी, त्यांना न्याय मिळावा, त्यांच्या हक्क त्यांना मिळायला पाहिजे, त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांचा सुद्धा कर्जाचा विचार, जी घोषणा वचननाम्यामध्ये आम्ही दिली होती त्या वचननाम्यानुसार त्यांचा 2 लाख रुपयापर्यंतचं कर्ज माफ करण्याचा सुद्धा निर्णय आदरणीय उद्धव साहेबांनी विधानसभेमध्ये जाहीर केला। त्यामुळे सर्व शेतकरी हा सुखी व्हावा हाच उद्देश, आणि या शिव थालीच्या माध्यमातून सामान्य जनतेला, गोरगरीब जनतेला, कामगारांना, शेतकऱ्यांना एक स्वस्तामध्ये पोटभर अन्न मिळावं हा उद्देश साहेबांचा होता, आणि तो आज सर्वप्रथम मला वाटतं संपूर्ण महाराष्ट्रात नागपूर येथून पूर्ण होतो। NBCN न्यूज के लिए वाडी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।